एक तरफ किसान आंदोलन से मोदी सरकार घिरी हुई है तो दूसरी तरफ महिला पहलवानों ने अब एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन ने देश विदेश में चर्चा बटोरी थी और अब एक बार फिर महिला पहलवान ने सरकार को वार्निंग दे दी है। क्या है पूरा मामला, क्यों एक बार फिर प्रदर्शन के लिए मजबूर है महिला पहलवान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी राज में प्रदर्शन को मजबूर है जनता। एक तरफ तो किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है जिससे पूरी राजधानी और पंजाब हरियाणा की सीमाएं बुरी तरह प्रभावित है, तो दूसरी तरफ पहलवानों ने भी एक बार फिर आंदोलन की वार्निंग जारी कर दी है। महिला पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार को प्रदर्शन के लिए चिताया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर बृजभूषण के सहयोगियों को कुश्ती महासंघ चलाने की इजाजत दी जाती है तो वह एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाली है। साक्षी मलिक ने कहा, हमें कल पता चला कि संजय सिंह ने WWW से कुछ सेटिंग की है और सस्पेंशन हटवा लिया है। मैंने कुश्ती से संन्यास भले ले लिया है लेकिन मैं बृजभूषण और उनके लोगों को फेडरेशन चलाने और महिला पहलवानों को परेशान करने नहीं दूंगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वे बृजभूषण से जुड़े लोगों को कुश्ती महासंघ से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को शीर्ष पर बैठाएं जिसकी छवि साफ हो और वह सक्षम हो। आपको बता दें, इससे पहले लंबे वक्त तक चली भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुन लिए गए थे। आंदोलन के बाद वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भारतीय कुश्ती संघ पर बैन लगा दिया था लेकिन हाल ही में ये बैन हटा दिया गया है और इसी को लेकर महिला पहलवानों का गुस्सा अब सामने आने लगा है। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने सरकार से कहा है कि वे जल्द से जल्द बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सभी सहयोगियों को बर्खास्त करें वरना एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।